पापा को बंगाली में बोलते हैं बाबा, और आज हम आए हैं हेरिटेज ढाबा। ये क्या है? पता है इसका कोई लॉजिक बना नहीं, फिर भी मैं हंसाने के लिए बोल दिया शायरी। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं शेख साहब और आपका स्वागत है समीम ब्लॉगर में। सो गाइस, आज हम आ चुके हैं हेरिटेज ढाबा, जो कि हमारे दिल्ली रोड में स्थित है, जो कि एक यूनिक तरीके का ढाबा है। आप भी देखिएगा तो शौक हो जाएगा। पूरा बस के स्ट्रक्चर में बना हुआ है पूरा ढाबा, तो इसके अंदर हम लोग जाएंगे और सारा कुछ आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली गाइस, अब हम एंटर हो रहे हैं इस बस जैसे आकार के ढाबे में। ये गाइस ढाबा जो है बस के स्ट्रक्चर में है, स्टेयरिंग वगैरह सब कुछ लगा है, पंखा वगैरह लगा है, एकदम मतलब जस्ट अमेजिंग। बता नहीं सकते कितना धाकड़ लग रहा है, लाइटें लगी है कितनी सुंदर, और ऊपर जाने के लिए भी रास्ता है, सेकेंड फ्लोर है इसका। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। सो गाइस, अभी हमें ढाबे के सेकंड फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर से बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे एयर कंडीशनर भी लगा हुआ है, तो यहाँ पे पूरा अंदर ठंडा हो चुका है। यहाँ चारों तरफ शीशे लगे हुए हैं, चारों तरफ से एकदम नेचुरल फील आ रहा है, मजा ही आ जाएगा। हमारे समीम भाई बैठ चुके हैं। समीम भाई से पूछते हैं कि कैसा लग रहा है यहाँ पे, बताइए। यूनिक चीज है, बढ़िया लगा आते। अच्छा। जब देखा जाते जाते, कुछ तो इरादा नहीं था आज वीडियो बनाने का, क्योंकि वेदर के मौसम, वेदर के लिए मौसम बहुत ख़राब है, तो निकल पड़ा हूँ। बारिश रुक गया है, निकल पड़ा हूँ। जाते जाते ये देखा, यूनिक लगा, अंदर आ गया। तो गाइस, ये भैया आए हैं, तो भैया से आज हम बोलेंगे कि भैया आप हमको क्या खिलाएंगे, यहाँ का स्पेशलिटी क्या है? कबाब। अच्छा, हम लोग खाना वगैरह घर से खा के ही निकले हैं, बस वीडियो बनाने के लिए आए, तो हल्का फुल्का कुछ ले आ दीजिए आप, जो मन आपका। कबाब लीजिए, कबाब स्पेशल है। अच्छा, 290 है। अच्छा। 230 है, 220 है, 210 है। चलिए, सही कबाब है। स्टिक का है, स्टिक कबाब, चिकन तंदूर है। भैया ये बस चलती है? नहीं नहीं चलती। नहीं चलती। ये कैसा बस है? डबल डेकर बस चलता है, तो बंद हो गया। अच्छा। चलिए सही है। कितने दिन से यहाँ पे काम करते भैया आप? दो महीना। और ये कब से शुरू हुआ है रेस्टोरेंट? शुरुआत से ही हम हैं। ये शुरुआत से ही आप हैं? अच्छा, चलो। दो महीना ही हुआ है। अच्छा अच्छा, तो भाई समझ सकते हैं जो रेस्टोरेंट है नया ही है, ढाबा जो है नया है, अभी दो महीना हुआ है इसको ओपन हुए। गाइस, हमारा ऑर्डर आने में अभी 15-20 मिनट लगेगा, तो ऐसे बैठे बैठे तो अच्छा नहीं लग रहा। तो यहाँ पे गिलास वगैरह दिया है भैया ने, पानी दिया है, ये गिलास, और ये थोड़ा सा इसमें पानी डाल लेते हैं, और यहाँ पे जो है नमक रखा हुआ है, इसमें ऐड कर लेते हैं। समीम भाई पी के बताइए टेस्ट कैसा है। What? What the fuck? पी के बताओ ना भाई। ऐसे ही नमक पानी बढ़िया ही होता है, नींबू के अलावा थोड़ी बढ़िया होता है। पी के बताओ ना, वही तो, नींबू के अलावा कोई नहीं पिया। सब ठीक। तो फाइनली गाइस, 2000 साल बाद हमारा ऑर्डर जो है आ चुका है, और हमने ऑर्डर किया था चिकन तंदूर लॉलीपॉप। कितना बड़ा नाम है पता नहीं, मैं पहली बार खाने जा रहा हूँ। ये सिल्वर फॉइल में जो है लपेट के दिया गया है, यहाँ पे इसके साथ चटनी दी गई है हरी मिर्च की, और ये रहा नींबू, जिसके साथ मज़ा ही आ जाएगा। चिकन तंदूरी वाले वीडियो में तो आप लोगों ने देखा ही था कि नींबू के बिना मैंने तंदूरी खाने को मना किया था, तो यहाँ पे भी हम लोगों को तंदूरी के साथ नींबू मिल चुका है। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं। रुक जा भाई, अरे अरे अरे, मैंने रखो, ऐसे नहीं होगा। तो गाइस देखो, इनको सबर भी नहीं है यार, मैं अभी टेस्ट पूछने वाला था ना, ऑडियंस क्या सोचेगी। चलो फिर से रीटेक। सो गाइस, सबसे पहले हमारे समीम भाई टेस्ट करके बताएंगे कि कैसा है ये चिकन तंदूर लॉलीपॉप, तो टेस्ट कीजिए। थोड़ा सा चटनी के साथ। अच्छा, ये जो हुआ ये उठा लिया,
जैसे कि बाहर से दिखाया वॉल्वो वास को पूरा धावा बना दिया, अंदर खाने का सिस्टम है, पूरा सील वगैरह लगा हुआ है। हम लोगों ने ऑर्डर दिया था चिकन लॉलीपॉप टिक्का, तो फाइनली बहुत ओट करने के बाद मेरे पास आ गया खाने के लिए, तो खा तो रहा हूँ, खा भी लिया। लेकिन भाई मस्त लगा, बढ़िया, बहुत बढ़िया बनाया। आप लोग एक बार आइए इधर, दिल्ली रोड का बगल में ही है, ज़्यादा दूर नहीं, दानकुनी से सबसे कम 20 किलोमीटर। आइए आके ये खा के, ये ढाबा में आके खा के टेस्ट करके देखिए, बहुत बढ़िया, सब खाना बढ़िया है। साहिब अस्तु बता कैसा लग रहा है? सच बता दो बहुत ही अच्छा लग रहा है। वैसे दोपहर के वक्त अभी खा लिए हैं होटल ढाबा, अभी नया ढाबा है तो ज़्यादा लोग इसके बारे में जानते भी नहीं है, आए भी नहीं, यहाँ का खाना भी टेस्ट नहीं किया। तो हम लोग जा रहे थे कहीं और, लेकिन रास्ते में जब इसको देखा तो हम रुक के सोचा कि यहाँ पे चल के देखते हैं, खाना वगैरह खा के टेस्ट करके कि यहाँ का खाना कैसा है। तो यूनिक सा नाम भी है इसका, यूनिक सा ढाबा भी है, और ऊपर आने के बाद जब हम लोगों ने खाना खाया तो वाकई में सच में यार ये तंदूरी बहुत ही मस्त बना हुआ है। तो आप लोग भी आइए यहाँ पे एक बार टेस्ट करिए और हम लोगों को ज़रूर बताइए कि कैसा लगा। सो फाइनली गाइज खाना वगैरह हमारा कंप्लीट हो चुका है, खाना जो है बहुत ही टेस्टी था। तो भैया आते हैं फिर मिलेंगे, आइए, बाय, थैंक यू। सो फाइनली गाइज हम लोगों ने खा वा लिया है, अब बाहर निकला है, चिकन तंदूरी टिक्का जो खाया यार मज़ा ही आ गया, क्या मज़ा आया, बहुत ही अच्छा था। तो ये इस जगह का नाम क्या भैया, इस जगह का नाम सेतपुर दिल्ली रोड के एकदम करीब ही है ये ढाबा, इस ढाबे का नाम है हेरिटेज ढाबा। तो आप लोग कभी आइए यहाँ का जो है खाना टेस्ट कीजिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।